नहीं देखिए, मुझे नहीं लगता है कि अब जगताप बाबू लौट कर आएंगे। बड़े स्वाभिमानी आदमी हैं और जिस तरह से नीतीश कुमार ने उनको बेइज्जत किया, दबाव डालकर उनके बेटे का इस्तीफा ले लिया, वो बर्दाश्त करने वाले आदमी नहीं है। बाकी तो कब कौन बदल जाएगा मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन जिस प्रकार का उनका स्वाभिमान है और अहंकार भी है, तो और वो नीतीश कुमार के कृषि विभाग की नीतियों से सहमत नहीं है। जो धान की खरीद होती है, कृषि रोड मैप है, उन सारे मुद्दों पर सुधाकर सिंह का जो विचार और जगताप का जो विचार, दोनों बहुत मिलता जुलता है। और देखिए, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना है, इसलिए वो कोई भी दबाव में कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जगताप बाबू अब मानेंगे, और एक महीना हो गया, अगर मानना हो तो 5 दिन मान जाते, 7 दिन मान जाते। अगर अब मान भी जाएंगे जगताप बाबू, तो उनका कोई प्रभाव नहीं रहेगा, कोई उनकी पकड़ नहीं रहेगी। तो उनके लिए भी अच्छा ये है कि अब उनकी उम्र भी हो गई, तो वो अब कम से कम राष्ट्रीय जनता दल का जो अध्यक्ष पद राज्य का, उसको स्वीकार न करें, नहीं तो उनकी काफ़ी बदनामी होगी। एक महीना हो गया, नाराज चल रहे थे, और फिर अगर मान जाते हैं तो ये उनके हित में नहीं होगा। और जिस प्रकार के स्वाभिमानी व्यक्ति, मुझे नहीं लगता कि जगताप बाबू अब दोबारा लौट कर आएंगे।